उनका जो प्रधान सेवक है कांची के जो प्रधान सेवक है उन्होंने लाकर के दिखाया था कि देखिए ये उदार है। आपने कहा था कि उदार को अपनी कन्या प्रदान करना है, ये है विश्व के सबसे बड़े झाड़ूदार, इनसे और बढ़कर के कौन झाड़ूदार मिल सकता है, इसको आप अपनी कन्या का प्रदान करें। कहीं भी विश्व भर में रथ यात्रा का जय श्री जगन्नाथ। ये रथ यात्रा के दिन पावन जो पुरी में चल रहा अभी भी उड़ीसा के मुख्य पर्व है जगन्नाथ संस्कृति का। उड़ीसा है जगन्नाथ संस्कृति। हेलो, सब समन्वय होते हैं, सब मिलते हैं। आज जो है विदेश से काफ़ी आए हैं, महाराज्य से आए हैं, उड़ीसा से आए हैं, मध्य से आए, पूरा इंडिया यहाँ पर है हजारों तादाद से। आप लोग जब भी मैं पहले आज से 20 दिन पहले सोचा था कि रथ यात्रा हुआ 20 दिन पहले अरे नहीं नॉट मच ऑफ प्लानिंग रियली, मुझे यकीन था कि ये ठीक होगा क्योंकि मैं लोगों को जानता हूँ, उनके भाव को पहचानता हूँ। आज जो आप देख रहे हैं इतने लोग आए हैं, इतने अच्छे तरह से हुआ, ये आश्चर्य की बात है। जय श्री जगन्नाथ। जितने पहलू हैं हिंदू धर्म ने धर्म को बड़ा महत्वपूर्ण स्थिति में लिया, जितने इम्पॉर्टेंट जगह है पहाड़ हो, समुद्र किनारे हो, नदी किनारे हो, वो सबको प्लेजर के लिए नहीं बनाया, सबको तीर्थ बना दिया। ऋषिकेश हो, हरिद्वार हो, ये हो, पहाड़ हो, कहीं पर हो, सारे जो बाकी लोग प्लेजर में करते हैं उसको तीर्थ यात्रा बना दिया। पहला आप समझ लीजिए अपना जीवन का कहाँ पर करता था। नंबर दो, इतने गॉड गॉडेस का फॉर्म्स, म्यूजिक, कल्चर, कपड़ा, खाना, ये कंप्लीट आर्ट जो हमारे कला है, लिबरल आर्ट जो आर्ट है, क्रिएटिव आर्ट्स कंप्लीटली आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा देवता रूप में। म्यूजिक को हो, साहित्य को हो, छंद को हो, ये सब जितने देख रहे हो सारे, हमने अपने सब कुछ को देवताओं और संस्कृति में जोड़ दी। अब आप सोचो हमारा ओडिशी संगीत कहाँ से आया, ये सब कहाँ से है, ये सब कंप्लीटली लिंक टू द टेम्पल। टेम्पल को ईश्वर आराधना की जगह नहीं था, एक सामाजिक मिलन, संस्कृति को बनाना और एक ताकत देने के लिए, सब टेम्पल को ताकत देने के लिए। आज जो आपने किया, आप आनंद नहीं किया, आपने एकत्र होके हिंदू धर्म के निष्कर्ष को, जो सिद्धांतों को आपने ताकत दिया कि आज ये चल सकता है, चलेगा, आगे भी चलेगा। ठीक, तो मैं इसलिए खुश हूँ, मैं किस किस को धन्यवाद दूंगा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एक टाइम था मैं इसे काफ़ी क्राउड मेला कुंभ मेला छोटे पुलिस अफसर के तहत कर रहा था, वो बात अलग था। आज आप लोगों के साथ खड़े होकर मैं जब देख रहा हूँ, मुझे बनारसा से प्रोग्राम मुझे लग रहा था मैं चला गया 1964 का, मुझे लग रहा है कि मैं ट्रैफिक अरेंजमेंट कर रहा हूँ, पुलिस खड़ा है। तो चलो एनीवे, आनंद मैं कहता हूँ, जो भी एक बात बहुत लोग नहीं समझ पाए, मैं समझा के समझ जाता हूँ कि नॉन क्रिटिकल आनंद होना, हर चीज़ मीन में मत निकालो। आनंद तभी आएगा जब आप मीन में नहीं निकालो। असंपूर्णता सब में है, हर वस्तु में, हर स्थिति में, कहाँ नहीं है। हम चाहे कितने संपूर्ण आपको सोचते अपने हम असंपूर्ण है, इसलिए
भगवान के आकाश का अदृश्य ही नहीं हो सकते। सामान्य आदमी के साथ उसकी असंपूर्णता के साथ जो चल रहे हैं आम आदमी के साथ, जगत के नाथ वही कहलाएंगे सबका आदमी, इसलिए जगन्नाथ क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगले साल हम देखते हैं, इस साल हमने छोटे परिसर में कर देखें तो क्या हुआ, अगले साल देखेंगे इसका आकार थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। हमने कोई वीआईपी बुलाया नहीं, क्योंकि जो जगन्नाथ बैठे उससे बड़ा वीआईपी कौन होगा, यहाँ भी आप वीआईपी के चक्कर में। पर अगले बार कुछ लोग आएंगे, कुछ उस तवागर की इच्छा हो कहें तो आए, इसलिए हमने आम आदमी का जगन्नाथ को आम तरीके से आम रूप से आम आनंद के साथ कर दिया। ठीक है, क्योंकि आपका सेशन है। जय श्री जगन्नाथ। सबको धन्यवाद। मोस्टली रिक्वेस्ट द वर्कर्स ऑल ऑफ यू एंड दोज हु कंट्रीब्यूटेड इन एनी मैनर हियर कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम मेनी प्लेसेस, थैंक यू ऑल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे लॉर्ड जगन्नाथ ब्लेस यू, मे यू बी एज ऑर्डिनरी एज पॉसिबल, गॉड ब्लेस यू। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।